एफआईएच प्रो लीग वुमेन्स का सेकेंड मैच में भी चाइना को इंडिया 2-1 से हराया। काल 7-1 के बाद आज फिर से 2-1 में हराते हुए इंडिया पॉइंट टेबल में अभी 6 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन में है। ऐसे तो 6 पॉइंट नेदरलैंड का भी है, लेकिन गोल डिफरेंस 7 के वजह से इंडिया अभी पॉइंट टेबल का टॉप में अभी इंडिया है। इस चाइना के खिलाफ सेकेंड हेडर मैच में भी पहले गोल का शुरुआत गुरजीत कौर ने पहले 3 मिनट के अंदर पेनल्टी के थ्रू की है। उसके बाद फर्स्ट हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दोनों टीम के बीच बहुत सारे मौका मिला, लेकिन गोल किसी ने नहीं कर पाया और फर्स्ट हाफ तक 1-0 का लीड इंडिया बना के रखा। सेकेंड हाफ में फिर 39 मिनट में चाइना के लिए सुम वांग ने गोल किए और 1-1 में मैच पिलाए। लेकिन 49 मिनट में गुरजीत कौर का फिर से पेनल्टी के थ्रू गोल और इंडिया को 2-1 में इस मैच में जीत दिलाई और इसी के साथ इस लीग का पॉइंट टेबल में इंडिया टॉप पे पहुंच गया है। अब इंडिया के लिए नेक्स्ट मैच है नेदरलैंड के खिलाफ, जो 19 तारीख को होने वाला है और ये इंडिया में ही होने वाला है। 19 और 20 दोनों डेट में नेदरलैंड के साथ मैच है। अब दोस्तों इस लीग का रिजल्ट का अपडेट लेके 19 तारीख को फिर से मिलते हैं।